पूरा नहीं खाऊंगी, यहाँ से हमारा दिल्ली तक का रास्ता, लेकिन आईफोन नहीं, अपने पास फोकस नहीं हो पा रहा। 1, 2, 3, fuck it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। पीछे के डिस्टरबेंस को इग्नोर करो। तो मैं बात कर रही थी कि कल जो है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, और कल का व्लॉग मैं कल ही डालूंगी क्योंकि मेरे एग्जाम्स हो चुके हैं और बैक की तैयारी चल रही है। तो बात करते हैं कल की। कल हम सुबह 6 बजे के करीब निकल जाएंगे, तो कल हम घर जा रहे हैं एग्ज़ाम के बाद। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, यहाँ से हमारा दिल्ली तक का रास्ता अभी हम हल्द्वानी में। कोशिश कर रहे हैं हम स्टैटिक बनने के, लेकिन आईफोन नहीं है, अपने पास फोकस नहीं हो पा रहा। ATM आए हैं, मात्र 1000 रुपये निकाले, और ये ATM भी चल नहीं रहा है शायद, और हमारे पास 1 रुपये भी कैश नहीं है वैसे तो। अभी जो है हम लोग बस में बैठ गए हैं, और बस में वीडियो नहीं बनाऊंगी जब तक नहीं पहुँच जाती, जब पहुँच जाऊँगी तब वीडियो बनाऊँगी, तो देखते हैं। हम लोग मेट्रो स्टेशन आ गए हैं, वेलकम अगेन। तो मैं 1:30 बजे आ गई थी घर, और फिर मैंने खाना खाया, फिर हम लोग सो गए थे थोड़ी देर, तो वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तेरा माइंड रीड कर, माइंड तो तू कुछ नहीं रीड कर रहा है, पागल जरूर बना रहा है। नंबर ले अपने मन में, ले लिया उसका, डबल कर इस बार, ढंग से करियो। हाँ, डबल करने के बाद इस बार ध्यान से सुनियो, जो तूने डबल किया है, जो आंसर आया अभी तेरा, अभी उसको तू कर दे 120 से, उसको 120 से प्लस कर दे, जो भी आंसर आया तेरा 120 से प्लस, वही आंसर। अब तेरा आंसर आ गया होगा, अब तेरा जो भी आंसर आया उसको डिवाइड कर दे, सर आया होगा। अब डिवाइड करने के, अब डिवाइड करने के बाद तेरा एक आंसर आया होगा, उसमें से जो तूने नंबर लिया था ना अभी, माइनस कर दूं उसको। हाँ, जो स्टार्टिंग में नंबर लिया था आ गया। अब मैंने तेरे को एक स्टार्टिंग में एक पर्ची दी थी, उसे खोल। ठीक है, इसको पकड़ो ऐसे, लाइट मत मारिएगा प्लीज। पीछे पीछे तो इस बार सही हो गया है, 60 60। पिछली बार इसने गलती करी थी, नहीं पता यार, मुझे पता नहीं कैसे। एक बार बता बस। अबे इसमें भाई, अभी मुझे ये बता रहा था कि इस ट्रिक को करने के लिए फोकस्ड रहना है और शांत रहना है। तीसरा पॉइंट बता देंगे, तीसरा पॉइंट तो ट्रिक ही है मेन। हाँ तो बता दे, जो मैं तेरे को नंबर देता हूँ उसी का है पूरा खेल, जो भी है। हाँ तो बता फिर, वो सीखना पड़ता है भाई तेरे को, वो थोड़ी ट्रिक, पर्सनल ट्रिक है मेरी जिसे मैं बता नहीं सकता। मैं बता देती हूँ, यूट्यूब से सीख कर आए ये, ठीक है। उसमें भी यही सिखाया भाई कि शांत रहो तब तुम और सीख जाओगे। लड़कियों वाली एंकी यूज करने लग गए। गाइस, अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ अपनी मम्मी से, और मैं आपको उनकी एक बहुत स्पेशल चीज दिखाने वाली हूँ। तो गाइज, ये है मेरी मम्मी, अब मैं आपको इनकी एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सा और हंस जाएंगे जब, तो आपको खुद दिख जाएगी मेरी मम्मी का जो दांत है ये, चल। वो टूट चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, चल जरा थोड़ा सा और कहाँ से लग रहा है मेरे दांत टूटी है। मम्मी का नीचे वाला दांत जो है वो टूट चुका है, मम्मी को बुढ़ापा आ चुका है। थोड़ा सा और हंसेगी ना मम्मी तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी कोई बात नहीं, अभी नहीं हंसेगी, अभी सिर्फ इतने ही दिखेंगे, थोड़ा सा और हंस जाएंगी तब ये पूरा नीचे का दिखेगा, एक दांत टूट चुका है मम्मी का। तो क्या यार।
और मेरी आँख छोटी है तो ना आप देख लो, मम्मी की आँख मेरे से ज्यादा छोटी है, जेनेटिक है ये ब्रो, जेनेटिक। चुप रह। अब यहाँ बैठी रहेंगे आधे घंटे तक कैमरे में फुटेज खाने के लिए। चल 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 रहे हैं मम्मी के पौधे देखने। मेरी मम्मी कह रही है कि व्लॉग में मेरे पौधे भी दिखा दे, तो मम्मी के पौधे दिखाती हूँ आपको। इन्हें सारे पौधे जो हैं वो ये सब फैला के रखा है, जंगल बना के रखा है। इधर देख रहे हो, ये मम्मी ने बोला है मुझे कि मेरे पौधे दिखा कर आ। ये सब मम्मी ने लगा रखे हैं क्यूट क्यूट से, इनमें से कुछ मर चुके हैं देख लो। और अभी एक बालकनी में भी लगा रखे हैं, वहाँ के भी आप दिखाऊंगे बालकनी में। ये सही लगता है मेरे को, मतलब एक ये है, ये है और ये है। तो गाइस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय।